को देखो तो मार का है वो जगह वो। हेलो क्लास 9 के विद्यार्थीगण, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसका गड़बड़ हेलो क्लास 9 के विद्यार्थीगण, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये लाइव स्ट्रीमिंग आपका होगा, तो इसमें हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है थ्रस्ट, एंड साथ में प्रेशर भी कर लेंगे क्योंकि दोनों का एक के साथ जुड़ाव है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए थ्रस्ट एंड प्रेशर, एंड शुरुआत की जाती है। तो सवाल आपसे यही पूछा जाएगा पहला कि थ्रस्ट होता क्या है, बिकॉज हेडिंग हमने दी हुई थ्रस्ट की। तो थ्रस्ट क्या होता है अगर इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए ये आपके पास एक टेबल है। ये क्या है आपके पास? टेबल है, ठीक है। और इस टेबल पर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक आपने यहां पर क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है। तो क्या इस बॉक्स के पास मास होगा, बताइए? तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल होगा इस बॉक्स के पास मास। और मास है तो क्या इसके पास वेट होगा? तो बोलिएगा हाँ मास है तो वेट होगा। बोले कैसे, थोड़ा समझाइए हमको। तो हमने ये आपको बताया था कि मास जो होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जिसके द्वारा इस बॉक्स को बनाया गया है। तो मान लीजिए ये लकड़ी के द्वारा बनाया गया है, तो लकड़ी का जितना मास इसको बनाने में यूज हुआ है ना, वो कहलाएगा इसका क्या? मास, ठीक है। लेकिन जैसे ही अर्थ नीचे से उसको अपने सेंटर की तरफ खींचने लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से या ग्रेविटी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एट ए सेंस ये वाला बॉक्स इस वाले टेबल पे कांटेक्ट में है, ठीक है। और अगर कांटेक्ट में है तो ये इस वाले सरफेस पे क्या करेगा? बल लगाएगा, है ना, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो बल होगा वो कैसे निकलेगा? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी ये जो बॉक्स है ये इस टेबल पे फोर्स लगा रहा है बिकॉज टेबल सॉलिड है तो उसको रोक के रख रहा है। यहाँ पे कोई सॉफ्ट चीज होती तो नीचे आ जाता, धरती पे आ जाता, है ना। लेकिन ये स्ट्रांग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है इसका, तो वो रोक के रखा हुआ है वहां पे बॉक्स को। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और वेट बराबर क्या होगा? मास इंटू क्या? जी ऑन ई, यानी ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है उसका वैल्यू यहां पे पुट होता है, जो कितना के बराबर होता है मालूम होगा अर्थ का? वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको दिमाग में रखना है, यानी जो बॉक्स का वेट होता है वही वेट क्या होता है? फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है। बोलिएगा ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसी का रिलेशन किसके साथ है? थ्रस्ट के साथ है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा थ्रस्ट होता क्या है, उसका डिफिनीशन क्या होगा? तो चलिए उसका डिफिनीशन लिखा जाता है। तो थ्रस्ट का डिफिनीशन अगर कोई पूछ दे आपसे तो क्या लिखेंगे? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी या एक्टिंग ऑन ए बॉडी लिख लीजिए। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑन ए बॉडी, है ना, नॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, नॉर्मली ऑन इट्स सरफेस नोन एज थ्रस्ट, उसे ही किस नाम से जाना जाता है? थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। टोटल फोर्स बॉक्स के द्वारा एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑन ए बॉडी, बॉडी यहां पे कौन? टेबल। नॉर्मली मतलब क्या? नीचे की तरफ।
और जब ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है तो यहां पर देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं तो ये नीचे की तरफ बल लगा रहा है तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है सरफेस के साथ, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसलिए नॉर्मली यूज हुआ है, ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पे लगा रहा है, ठीक है, जितना कॉन्टेक्ट में उतना पर ही लगाता है, ठीक है, इज नोन एज थ्रस्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो क्या ये डिफिनेशन दिमाग में आ गया, तो जब भी कोई वस्तु कहीं पे रखा हुआ रहता है तो वो अपने नीचे वाले वस्तु पर बल लगाता है, वो अगर मान लीजिए धरती पर रखा हुआ है तो धरती पर बल लगाएगा नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, और वही उसका क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, थ्रस्ट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। तो यदि यह एक प्रकार का फोर्स है तो इसका यूनिट, ऐसा यूनिट तो पक्का मालूम चल जाएगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल, तो इसका ऐसा यूनिट वही होगा जो फोर्स का होता है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट जो होता है थ्रस्ट का वो क्या हो जाएगा, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट वही होगा जो फोर्स का होता है, और आपको पता होगा इसके बारे में तो एकदम पता होगा, वो क्या होता है, डाइन, है ना, और इन दोनों का रिलेशन भी मालूम होगा कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10^5 डाइन होता है, ठीक है। तो इसे फटाफट आप नोट कर लें, इतना तो दिमाग में आपके आ गया होगा, ठीक है। एक और सवाल जो इसमें पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए थ्रस्ट किस तरह का क्वांटिटी है, या किस तरह का क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्केलर और एक होता है आपका क्या, वेक्टर। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तरह का क्वांटिटी है, तो ये टूवर्ड्स द सेंटर लगा रहा है, यानी एक फिक्स डायरेक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये किस तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर किसे कहा जाता है, मास है इसके पास तो वेट जरूर होगा, वेट क्या बतलाता है, मैग्नीट्यूड बतलाता है, वेट का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वो नीचे की तरफ लगा रहा है तो डायरेक्शन भी प्लस हो गया, इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सवाल ये हो जाएगा, ये अगर पूछा जाएगा तो बता सकते हैं, पहला सवाल डिफिनेशन जो मैंने लिख लिया, दूसरा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, और उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि क्वांटिटी ये किस तरह का है, वो आप बता दीजिएगा आसानी से, और अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि फाइंड थ्रस्ट, आप थ्रस्ट निकालो, तो थ्रस्ट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा। तो थ्रस्ट जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। थ्रस्ट जो है वो एक प्रकार का क्या है बताइए जल्दी, फोर्स है। यानी थ्रस्ट अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा, किसी भी वस्तु का अगर किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो, और यदि फोर्स निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा बताइए, फोर्स का रिलेशन किसके साथ है, बोलिएगा वेट के साथ है, तो वेट निकाल लेते हैं, और वेट निकालने का फॉर्मूला जो अर्थ पे होता है वो कौन होता है, एम इंटू जी, फटाक से लगा लेंगे, और जी का वैल्यू कितना पुट कर लेंगे, 9.8। तो थ्रस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा आपको तत्काल थ्रस्ट के बारे में पढ़ना नहीं है। तो अगर आपको कोई तकलीफ है यहाँ तक तो कमेंट करिए, कमेंट में अगर कोई दिक्कत होगा है ना तो उसका निराकरण किया जाएगा। तो फटाफट बताइए अगर कोई परेशानी है आपको तो। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि थ्रस्ट क्या होता है, हम कह सकते हैं कि थ्रस्ट के बड़े भैया जो है वो क्या है, प्रेशर है, ठीक है। थ्रस्ट के बड़े भैया क्या है, प्रेशर है। देखिए यहाँ पर ये टोटल ऑब्जेक्ट इस टोटल सरफेस पे लगा रहा है फोर्स, लेकिन हर एक जगह पे वो नीचे की तरफ लगा रहा है, हर एक पॉइंट पे वो नीचे की तरफ लगा रहा होगा, है ना, हर एक पॉइंट पे वो नीचे की तरफ लगा रहा होगा, और वही जो फोर्स है वो जो हर एक पॉइंट पे वो नीचे की तरफ लगा रहा है उसी को थ्रस्ट कहा जाता है ना। कोई फिक्स नहीं है कि यहां से यहां तक ये पूरे फोर्स को कहा जाए, वो जहां कहीं भी नीचे लगाएगा वो फोर्स क्या कहला जाएगा, थ्रस्ट कहाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्रेशर के बारे में।
चलिए अब अगला हेडिंग दे दीजिए प्रेशर, और वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन फिर से दोबारा मैं लिख देता हूँ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है तो ध्यान से समझिए, थ्रस्ट के बड़े भैया प्रेशर है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम अगर प्रेशर का डिफिनीशन लिखें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट, ठीक है, अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। उसी को उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर कहेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट का प्रेशर अलग अलग होगा, तो उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर जिस ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना, वो जितना थ्रस्ट लगाएगा, थ्रस्ट का मतलब नीचे की तरफ फोर्स, कहाँ पर, जिस ऑब्जेक्ट पे उसको रखा गया है, कहाँ पर, तो टेबल पे अगर रखा गया है तो टेबल पे लगाएगा फोर्स नीचे की तरफ, अगर अर्थ पे रखा गया है तो अर्थ में नीचे सेंटर की तरफ लगाएगा। तो थ्रस्ट माने क्या, फोर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये भी, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है ना, यूनिट एरिया पर। बोलो यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि मान लो कि ये एक क्या है, फील्ड है, एक एक एरिया है ना, इसके अंदर नीचे छुपा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ, बीच में एरिया है। तो यदि इसका ब्रेथ 1 मीटर हो और लेंथ 1 मीटर हो, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1 इंटू 1 यानी 1 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इतना सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या लगाता है बताइए जल्दी, फोर्स लगाता है, थ्रस्ट लगाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। यानी यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स कर ली गई, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये फिक्स कर लिया गया कि पर यूनिट एरिया पर जितना वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाइड करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, वही उसका क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा, है ना। और थ्रस्ट का वैल्यू निकालने का तरीका आपको मालूम चल चुका है, आप mg के द्वारा निकाल लोगे और उसके द्वारा प्रेशर आसानी से निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो बोलो इस डिफिनीशन के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो प्रेशर इक्वल होता है किसके, तो आप बोलोगे थ्रस्ट, है ना, अप्लाइड ऑन पर का मतलब बटा होता है, मालूम होगा इतना, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में आया, प्रेशर बराबर क्या होगा, थ्रस्ट बटा एरिया, ठीक है। अगला सवाल जो इसमें पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इसका यूनिट बताइए, है ना। तो यूनिट निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी क्लासेज में बताया हूँ। प्रेशर को हम वैसे ही अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम थ्रस्ट का, थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट लिख लेंगे न्यूटन, और एरिया जो हो जाएगा, एरिया क्या होता है बताइए जल्दी, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, थ्रस्ट फोर्स है, इसलिए फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा वही लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो आया वैल्यू, यानी क्या आया मेरा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू है किसका भाई, यूनिट का वैल्यू है, किसके यूनिट का, प्रेशर का। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको एक साइंटिस्ट है जिनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक और नाम से जाना जाता है, बोला जाता है कि ये क्या बताइए, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पास्कल, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, पास्कल होगा, यहाँ पे AL होगा, पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। एक और सवाल जो आपको, देखिए नॉर्मल एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे, जैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल जब आपको मिलेगा, तो उसमें पूछेगा आपसे कि बताइए जो प्रेशर का वैल्यू पास्कल के फॉर्म में, और जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो पास्कल प्रेशर का वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगा। तो तब इसको इससे कन्वर्ट करना होगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल में चेंज करना होगा। बोलेंगे दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही तो पास्कल बोलते हैं। तो यदि हम, यहाँ पे बराबर का निशान है, और यदि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के पहले 1 लगा दे रहे हैं, तो पास्कल के पहले भी 1 लगाने में हमको कोई आपत्ति है, कोई रोक सकता है क्या, बोलोगे नहीं। यानी यदि मान लीजिए 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आया, तो कितना पास्कल हो जाएगा, 10 पास्कल। बोलिए हाँ या ना।
तो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिए और समझने की कोशिश करिए, आपको न्यूमेरिकल में बहुत सहायता करेगा। अगला सवाल जो 10th क्लास तक आपको पूछा जाएगा इस तरीके का, ये सवाल नहीं इस तरीके का, वो ये कि 1 पास्कल को आप डिफाइन करो, है ना। सवाल आपसे पूछा जाएगा, आगे बहुत इसका यूज है, आपसे पूछेगा डिफाइन 1 पास्कल, है ना। पास्कल नहीं याद रखिएगा, पास्कल याद रखिएगा। तो डिफाइन 1 पास्कल अभी बताने वाले हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा कैमरा चेक कर ले रहे। तो डिफाइन 1 पास्कल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको देना है। तो देखिए, इस तरह का जो डिफिनेशन होता है वो बहुत ही इजीली आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो उसका एक है ना तरीका है, उसका एक तरीका है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा वो तरीका जिससे आप इजीली 1 पास्कल को डिफाइन कर सकते हो, या इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा फ्यूचर में भी तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो आसानी से। तो यहां पर अभी हमने जान लिया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल होता है, यह हमने जान लिया है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि आप डिफाइन करो 1 पास्कल को। सवाल हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए डिफाइन 1 पास्कल। सब नोट करते चलिए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहां पर, यहां पर लिखा हुआ है पास्कल, यहां पर लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 जो है वो न्यूटन के आगे भी है और मीटर के भी आगे है ना, ये दोनों के आगे 1 लगा हुआ है। 1 पास्कल को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, पास्कल क्या है, प्रेशर है, तो हम लिखेंगे है ना प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर जो लगाया गया है ऑन ए बॉडी, किसी भी वस्तु पर, किसी एक वस्तु पर, इज सैड टू बी, उसे कहा जाएगा सैड टू बी, उसे कहा जाएगा 1 पास्कल, उसे 1 पास्कल कहा जाएगा इफ इट इज अप्लाइड है ना ऑन एन एरिया ऑफ है ना कितना कितना एरिया 1 मीटर स्क्वायर है ना, एंड द फोर्स इज ठीक है 1 न्यूटन। तो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन ए बॉडी सेड टू बी 1 पास्कल। यहां तक तो डिफिनेशन थोड़ी है, ये तो बनाया गया है, इतना सेंटेंस मकी गाना चाहिए है ना, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इफ इट इज अप्लाइड, यदि ये लगाया गया है ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देखो यहां पे 1 लगा हुआ आगे, तो मीटर स्क्वायर के भी लगा हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो एरिया जो अप्लाइड करा गया है फोर्स, कितना फोर्स 1 न्यूटन का, उसके वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 पास्कल बोलते हैं, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं 1 पास्कल बोलते हैं। तो कोई समस्या यहां तक, ये हो जाएगा आपका डिफिनीशन ऑफ 1 पास्कल। होता है भाई कि इसका कहां कहां यूज होता है आप बताओ थोड़ा सा, तो उसको भी हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, उसको भी आसानी से हम कर सकते हैं। हमने एक रिलेशन जाना है यहां पर, हमने जाना है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, थ्रस्ट या फोर्स बटा एरिया होता है। तो यहां से हमको एक रिलेशन पता चलता है, वो रिलेशन यह है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स अप्लाइड के, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, और जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली वेरिएटेड होता है किसका, एरिया का, है ना, जिस पे लगाया गया है फोर्स, इन 2 बातों पे ही वो निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये फोर्स जब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यानी प्रेशर का रिलेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली है, और यहाँ पे इनवर्सली अगर एरिया के साथ है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, यानी उल्टा होता है इस वाले सिचुएशन में, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हमें ये डाटा देता है, इतना दिमाग में रखिएगा, और इसी डाटा के अनुसार हम ये कह सकते हैं डेली लाइफ में कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं, जैसे स्कूल बैग जो हमारा होता है उसकी जो यहाँ कंधा पर जो शोल्डर पर लगाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, जो कंधा पर डाला जाता है, शोल्डर पर जो लगाया जाता है, स्ट्रैप्स बोलते हैं उसे,
शोल्डर पे जो बैक का स्ट्रैप्स होता है, जो फिता होता है, वो थोड़ा सा विड्थ उसमें होता है और उसमें कुछ मुलायम जो कपड़े होते हैं वो डाले हुए रहते हैं, ताकि वो क्या करे, एरिया जो है उसको पहले इंक्रीज कर ले और हार्डनेस को थोड़ा कम कर ले। मेनली काम उसका क्या होता है, वो चौला पट्टी बनती है, स्ट्रैप्स बनता है, उससे क्या होता है एरिया ज़्यादा हो गया, और एरिया का रिलेशन प्रेशर से कैसा, इन्वर्सली है, तो एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम पड़ेगा। जिस रीजन से बैग का जो स्ट्रैप्स होता है वो कैसा बनाया जाता है, थोड़ा सा विड्थ उसको दिया जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप किसी नाइफ से जो ब्लंट है ना, जो बहुत दिनों से मतलब उसको क्या बोलते हैं, हवा में छोड़ा गया है, मतलब रखा गया है, तो उसमें जंग लग जाती है, ये तो मालूम होगा, और जंग लगने से वो थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है, जिस रीज़न से उसका विड्थ थोड़ा बढ़ जाता है, और विड्थ बढ़ने से जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो पहले जितना आसानी से कटता है वो नहीं कट पाता है, क्योंकि पहले से वो क्या था, शार्प था, और बाद में क्या हो गया है, ब्लंट हो गया है। और ब्लंट होने के पीछे रीजन क्या है बताइए, ब्लंट होने के पीछे रीजन यही है कि उसका सरफेस एरिया क्या हो गया है, बढ़ गया है, और सरफेस एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया है, कम, जिसके कारण वो आसानी से उस चीज़ों को कट कर पा रहा है। तो ये कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन है जिसका यूज होता है। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर का पीछे वाला जो पहिया होता है वो बहुत ही विड्थ उसका दिया हुआ रहता है ना, आगे का थोड़ा सा मैनेज किया रहता है, लेकिन पीछे वाला बहुत विड्थ उसका दिया हुआ रहता है ना। तो कुछ टेक्निकल रीजन, मैकेनिकल चीज़ें होंगी इसमें कि क्यों आगे वाला का इतना बहुत बड़ा है और पीछे मतलब पीछे वाला का इतना बड़ा है और आगे वाला का बहुत छोटा होता है ना। लेकिन नॉर्मली जो पीछे वाला टायर इतना बड़ा बनता है उसके पीछे रीजन होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो वो जमीन के नीचे नहीं जा पाती हैं आसानी से, मतलब प्रेशर नहीं डाल पाती हैं, किस पर, जमीन पर। तो नॉर्मली क्या ट्रैक्टर का काम क्या है, आगे बढ़ते रहना, काम को करते रहना। सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको हो जाती है जब धान की खेती होती है, तो आपने देखा होगा अपने आसपास कि बहुत सारे ट्रैक्टर फंस जाते हैं खेतों में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ जमीन ऐसे होती हैं, वो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कुछ ऐसी होती हैं, वो थोड़ा सा पानी के साथ उनका थोड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो तुरंत उनसे मिक्स हो जाती हैं और अपने आप को सॉफ्ट बना लेती हैं। तो जब सॉफ्ट हो जाएंगी, मतलब चिकनी हो जाएंगी, साइनी टाइप हो जाएंगी, तो उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो लो लगता है ना, बहुत कम लगेगा। तो जब वो फ्रिक्शन कम लगता है, जिस कारण से एक तो वो उनका टायर ऐसे घूमते रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, एक ये हो गया, और दूसरा इनके साथ एक और सोने पर सुहागा हो जाती है ना, प्रेशर है ना, वो सॉफ्ट लैंड सह नहीं पाता है ना, क्योंकि ऊपर से ट्रैक्टर का भार पड़ रहा है, वेट है, तो एम इंटू जी लगेगा, तो ट्रैक्टर लोहा से बनल है तो मास तो ज़्यादा होगा, अब मास ज़्यादा है तो जी उससे गुना होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा, और वेट ज़्यादा होने से है ना वो नीचे धस जाती है, तो निकलने के चांसेस जो थोड़ा सा था बचा हुआ वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया, जो आपके साथ आपके आसपास होता होगा। आपने देखा होगा अभी बालू निकल रहा है सोन नदी के, सोन नदी से या नदियों से निकलता है, तो उसमें देखा होगा कि अगर रोड के कंस्ट्रक्शन में काम यूज होता है तो वो होता है टायर वाला जो जेसीबी होता है वो, लेकिन जब बालू निकालने की बारी आती है तो वो चैन वाला वहाँ पर जेसीबी का यूज होता है। रीजन बड़ा साफ है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। चैन वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है ना, आगे से लेकर पीछे तक, आपने देखा होगा, और इसीलिए युद्ध वाली जगहों पर स्पेशली टैंक में वही चैन वाला ही यूज होता है। रीजन यही है कि अगर चक्का लगा दी और कहीं फंस गया बीच में सॉफ्ट लैंड पे, तो हम वहीं रह जाएंगे, उधर से आएगा दो चार मतलब धरा देगा हमको, तो फ्री में क्यों पिटाना, तो हम लोग अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हैं फिर। तो ये कहानी है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ और बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन पास्कल तो मैंने बता दिया उसका डिफिनेशन, पास्कल का यूनिट प्रेशर का यूनिट ये था, पास्कल था। अदर यूनिट अगर कोई पूछ दे कि और कुछ यूनिट होते हैं क्या, तो आपको जवाब देना है कि हाँ मुझे मालूम है कुछ कुछ और होते हैं, जैसे मुझे मालूम है कि एक बार होता है, ये भी क्या है, यूनिट है। किसका है यूनिट, प्रेशर का, है ना। अब इसको छोटा बना देंगे तो ये मिली बार बन जाएगा, है ना। लेकिन एक बार का पास्कल के साथ रिलेशन कैसा है, वही रिलेशन है जो न्यूटन का डाइन के साथ था, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे वन बार जो होता है ये एक बड़ा यूनिट है, किससे, पास्कल से। तो वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल होता है, ये दिमाग में बैठा लो, है ना। याद कैसे होगा, न्यूटन वाला अगर तुमको याद होगा तो ये वाला भी याद हो जाएगा, वन बार बराबर हो जाएगा 10^5 पास्कल। कोई समस्या यहां तक, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि बताइए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जो ऊपर से हवा लगाती है, एटमॉस्फेयर लगाती है यूनिट सरफेस पे,
है ना, उस एटमोस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? तो पूछा जाता है कि वन एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने के बराबर होता है, एटीपी शायद बोलते हैं इसे। तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, इसको याद करेंगे, ये होता है 101.3 किलो पास्कल, इतने पास्कल के बराबर होता है। और याद रखिए, आपको आंसर या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछ देगा, नहीं तो पूछेगा उसको चेंज करके पास्कल में, और कभी कभी तो वो पूछ देगा कि बताइए उसको चेंज करके एटमोस्फेरिक प्रेशर में। तो सिंपल सी बात है, पास्कल का जो वैल्यू आएगा उसमें 101.3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू किस में आ जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर में। कोई तकलीफ है यहाँ तक? मुझे लगता है कि यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो चलिए बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को किया जाता है, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो प्रश्न क्या कहता है, वो प्रश्न ये कह रहा है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना न्यूटन दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू, ठीक है। अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, जिसको अप्लाइड किया गया है कितना एरिया पर, 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का वैल्यू जो है वो 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और सवाल इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रेशर, तो प्रेशर लिखा हुआ है और उस पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया हुआ है उसको लिखिए, जो निकालना है वो लिखिए, दिया हुआ में देखिए कि यूनिट सेम है कि नहीं या ऐसा यूनिट में है कि नहीं, मीटर स्क्वायर सही है, न्यूटन सही है, ये सब ऐसा यूनिट में है, तो प्रेशर निकालने में आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बताइए, फोर्स बटा एरिया या थ्रस्ट बटा एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या बोल लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं, तो आपको ये मर्जी है आपकी, आप जो लिखना चाहें वो आप लिख लीजिए। अगला सवाल जो सेकंड नंबर है, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाइड किया जाता है ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका एरिया है। और बोल रहा है कि वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा कितने कितने वैल्यू का, तो 15 पास्कल का वैल्यू, मतलब वो लाएगा, प्रेशर डालेगा, वो कौन सा ऐसा फोर्स है, यानी कितना फोर्स लगाने पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 15 पास्कल का प्रेशर पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, डिफिनीशन मेन है, देखेंगे सबसे पहले काम यहाँ पर गिवन और आस्क लिख देंगे, देखेंगे दोनों ऐसा यूनिट में है कि नहीं, तो 15 पास्कल ऐसा यूनिट ही है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं, मतलब ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है भैया, कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर है, तो इसको मुझे मीटर में चेंज करना होगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से करेंगे, और दूसरे को चेंज करने के लिए फिर से 100 से करेंगे, डिवीजन है ना, तो नीचे मल्टीप्लाई में है तो अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों डिवीजन में है, इतना तो मालूम होगा, है ना। और अब हम निकाल लेंगे फॉर्मूला पे, हमें निकालना है क्या, फोर्स का वैल्यू। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, प्रेशर यहाँ पे, एरिया यहाँ पे भागा में, इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, गुना में, तो गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू कितना है, 15 है, और एरिया जो है वो 1 बटा कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, कटाना अगर चाहते हैं तो कटाइए, 3 से कटेगा, और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो लिखेंगे 15 × 10^2 कितना, 1, 2, 3, 4, नीचे प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और इतना हो जाएगा न्यूटन। 15 × 10^-4 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, अगर 15 पास्कल है तो। मुझे लगता है क्वेश्चन में 15 पास्कल ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए नॉर्मल सी बात है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आंसर आपका मिलेगा नहीं,
एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में आपको बताया जा चुका है कि ये वाला जो वैल्यू होता है आगे वाला फ्रंट वाला, इसका वैल्यू एक से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, तो 15 10 से बड़ा है, तो क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर अगर 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 10 से छोटा और 1 से बड़ा हो जाएगा। और किसी भी इक्वेशन में या मतलब एक्सप्रेशन में अगर हम 10 से डिवाइड किए हैं तो 10 से गुना करना बनता भी है, ठीक है। अब बोलेगा क्या है, तो भाग किए गुना किए कट जाएगा तो फिर फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 1.5 में मतलब 15 में तो 1.5 हो जाएगा और इनटू बच जाएगा 10 पे पावर माइनस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर कितना माइनस 4 और प्लस 1 तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 3। माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया 3, दोनों में बड़ा कौन है 4, पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लिखिएगा तो कभी कभी नंबर आपके कट जाएंगे लेकिन इसमें नंबर कटने के चांसेस 0 हैं। और ये सवाल इस तरीके से ख़त्म हुआ। तो चलिए इस सवाल को अगर आप बना लिए हैं तो अच्छी बात है, मिला लें, और नहीं बना है तो नोट कर लीजिए। और इसी तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है घर पे। अब बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको पढ़िए और बनाइए, ऐसे मैं बोल के अभी बताने वाला हूँ तो आप मिला लीजिएगा। सवाल जो थर्ड नंबर है वो ये कह रहा है कि फाइंड प्रेशर, आपसे पूछ रहा है कि आप प्रेशर थोड़ा फाइंड आउट करो। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है कर लेते हैं। व्हेन ए थ्रस्ट ऑफ 20 न्यूटन, और थ्रस्ट का वैल्यू दिया हुआ है कितना न्यूटन दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है, इज अप्लाइड ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वही दोहराएंगे, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। एरिया जो है वो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको और 100 से डिवाइड करेंगे इसे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/1 पर कितना 3 सुनना हो जाएगा, और ये क्या में कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। यही तरीका है, समझ में आना चाहिए इतना। और आपसे पूछ रहा है प्रेशर का वैल्यू, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, थ्रस्ट बटा एरिया, ठीक है। तो थ्रस्ट के जगह पे क्या लिखा आएगा 20 न्यूटन, और ये एरिया के जगह पे क्या लिखा आएगा 1/1 पे कितना सुनना 3, तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, 1, 2, 3। तो देखो तो ध्यान से, ये 2 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 सुना ये 2, 3, 4 और इतना हो जाएगा, तो यानी 2 × 10 टू द पावर 4 पास्कल वैल्यू हो जाएगा या न्यूटन पर मीटर। चलिए अब करते हैं अगले प्रश्न को। वो प्रश्न है आपका कि एन आयरन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, है ना, एक आयरन क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है बताइए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, और उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसा टेबल है, और इस पर एक आयरन का क्यूब रखा गया है, आयरन का क्यूब है जिसको टेबल पर रख दिया गया है, ठीक है, आयरन का क्यूब। तो साइड कितना है उस आयरन क्यूब का 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी दिया हुआ है भैया, डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, अगर डेंसिटी ऑफ आयरन की बात करें वो दिया हुआ है आपका 8000 केजी पर मीटर क्यूब। आप सवाल देखिए, लिखते चलिए, फाइंड द प्रेशर, आपसे पूछ रहा है प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, और आपको जी का वैल्यू दिया हुआ है कि भाई आप 10 लेंगे ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 आप ले सकते हो, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, तो लॉजिकल बात है हम इससे मास निकाल सकते हैं। मास कैसे निकलेगा, मास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम इंटू क्या होता है डेंसिटी, याद रखिएगा मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, भी मतलब वॉल्यूम, डी मतलब क्या हो जाएगा डेंसिटी, इसको आप नोट करिए, है ना, तो समझ में आपको आएगा। हो गया, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 3। लेकिन यदि हम इस साइड को मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो यहीं पे हम 10 से 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा।
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/10 का क्यूब, यानी कितना, 1, 2, 3 सुनना, नहीं है, सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज कर दिया, 2 जीरो से डिवाइड करके 1 जीरो से 1 जीरो कटा है, तो 1/10 आ गया, और 1/10 का क्यूब करेंगे तो 1, 2, 3 सुना आ जाएगा, इनटू डेंसिटी कितना है आयरन का, वो है आपका कितना 8000 है। अब आराम से हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए 8 kg आ जाएगा। इसमें कोई समस्या, मास आपका आ गया 8 kg। अब एरिया जब निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया कितना आएगा, अगर हम बात करें तो एरिया जो आपका आता है वो आता है अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर और इंटू 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 का कितना स्क्वायर, अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10^2 कितना -2 मीटर स्क्वायर, 1/10 मीटर का स्क्वायर ऊपर जाएगा 10^-2, नीचे प्लस होता है ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, तो ये वैल्यू एरिया का आएगा। कोई समस्या यहाँ तक? अब प्रेशर निकाल लेंगे, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, है ना, तो जो फोर्स लगता है इस आयरन के द्वारा इस टेबल पे वो क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, उसका वेट होता है ना, फोर्स ही क्या होता है, वेट होता है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू क्या, जी, ये मालूम होगा, वेट का फॉर्मूला ये होता है, और एरिया फिर, है ना, एरिया का फॉर्मूला जरूरत नहीं है बिकॉज दिया हुआ है ऑलरेडी एरिया यहाँ पे, तो कितना है दिया हुआ, 10^2 कितना -2, इसको रख लेंगे। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, मास कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 10, और ये नीचे कितना हो जाएगा 10^2 कितना -2, तो ये हो जाएगा 8 × ये नीचे है माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10^2 कितना हो जाएगा 2, 1 और ये 1, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी इतना न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर या पास्कल आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, अगर कोई समस्या है तो कमेंट करिए, वो आपके पास अवेबिलिटी है उसकी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेशर। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए ब्लॉक ऑफ 200 newton वेन प्लेस्ड ऑन ए टेबल टॉप एलॉन्ग इट्स टू डिफरेंट साइड्स विद डायमेंशन 20 cm, 15 cm, 30 cm एंड 15 cm। देखिए स्टार्टिंग में उसको रखा गया है एक डायमेंशन पे 20 cm, 15 cm, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको क्या करते हैं ऐसे लंबा करके रखा गया है, फिर उसको सुला दिया गया है, सरफेस चेंज नहीं हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हो तो हम कर सकते हैं। देखिए ये बुक है तो इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है ना, फिर बाद में उसने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे में जो प्रेशर आ रहा था वो अलग आएगा और ऐसे में प्रेशर अलग आएगा। रीजन क्या है, ये एरिया अलग है और ये एरिया क्या है, अलग है, तो एरिया बदलेगा तो प्रेशर का वैल्यू बदलेगा। बोलिए, तो यही चीज़ इसमें कह रहा है, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए ब्लॉक ऑफ 200 newton, यानी यहाँ पर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू कितना है बताइए, 200 newton है, और सवाल यही पूछ रहा है आपसे कि प्रेशर जो एग्जर्ट होगा दोनों केस में उन दोनों का रेशियो आप निकालिए। तो P1 P2 करके निकाल लेते हैं, तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं केस वन, और केस वन में जो लेंथ होगा है ना वो दिया हुआ है, आप देखो ध्यान से, है ना, वो है कितना 20 cm, और जो ब्रेथ है वो कितना है 15 cm, ये आपके क्वेश्चन में सबमिटेड है पहले केस में, तो इससे इसका एरिया निकल जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, अगर सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके, यहाँ पर भी 100 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 0 से 0 कटेगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 × 15 बाई कितना, यहाँ पर ऐसे होगा ना, तो 5 से 15 कटेगा 3, नहीं कटेगा कि कटेगा, कटेगा क्योंकि ये 5 नहीं है, ये 1/5 है, नीचे है ना, तो कट जाएगा 5 से 15, तो कितना हो जाएगा 3 × कितना 10^2 कितना, नीचे प्लस में है तो ऊपर गया क्या में हो जाएगा माइनस में, यानी एरिया जो है वो कितना आया 3 × 10^-2 क्या मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखिएगा, और इससे हम प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा क्या एरिया, फोर्स क्या है 200, एरिया क्या है 3 × 10^2 क्या -2, तो ये 200 रह जाएगा, ये 10 का स्क्वायर नीचे प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, कोई समस्या है यहाँ तक? और इससे जो वैल्यू निकालेंगे इसका वो लगभग आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इसको निकालेंगे तो
वो लगभग आएगा 3 × 10⁻²² के आसपास, अगर आप देखेंगे तो लगभग उतना ही आएगा, फाइंड आउट करके देख लीजिए। तो अभी इसको हम इस रूप में भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद हम लास्ट में भी इसको हल कर सकते हैं। 20 × 25 होगा 5 × 3 = 15 और 3 × 10⁻²² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू 200 न्यूटन है, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स की जगह पे 200 न्यूटन, यहाँ पे एरिया की जगह 10⁻²। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ही अभी छोड़ देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, बिकॉज रेशियो निकालना है, तो इसको मैंने P1 मान लिया। चलिए P2 अब निकाल लेते हैं। तो P2 में क्या होगा, फोर्स तो सेम रहेगा, तो चलिए हम फोर्स की जगह पे 200 लिख देते हैं और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ बदल जाएगा। लेंथ ब्रेथ कितना बदला है बताइए जल्दी, इसमें है 30 और 15 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 बटा कितना होगा 100 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, फोर्स कितना 200, इधर भी 200 इधर भी सेम, लेकिन एरिया बदला है और एरिया बदलने से प्रेशर का वैल्यू बदलेगा, इसीलिए रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करिए जल्दी फटाफट और उससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे तत्काल जितना सोल्व हो सकता है करिए, उसके बाद फिर इसके साथ जब रेशियो करिएगा तो सोल्व तो कुछ ना कुछ करेगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 25 × 100। अब यहाँ पे देखो ये 200 हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों देखो, ये दोनों डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 20 × 10 और ये दोनों जो है वो नॉर्मली जो नीचे था वो ऑलरेडी 9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। और अब हमको क्या निकालना है, रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो P1 का P2 के साथ निकालना है। P1 क्या है, P1 का P2 के साथ निकालना है, तो P1/P2 रेशियो ऐसे नहीं निकलता है, बटा में कर दीजिए P1 का P2 से, तो ये P1 का वैल्यू आया है, P2 का वैल्यू आया है, दोनों को बटा में करिए। तो देखिए ये P1 हम लिख रहे हैं 10 के 10, 200 × 10⁻², और नीचे कितना हो जाएगा 3। और जब इसको नीचे रखिएगा ना, तो सिंपल सी बात है कि जब ऊपर जाएगा तो 9 ऊपर चल जाएगा, तो 9 को ऊपर पहुंचा दीजिए, ई वाला जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, 200 × 20 और इंटू कितना 10। ये समझ में आया, ये जैसे था प्रेशर 1 वैसे छोड़ दिए, आई नीचे है ना, तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो पलट जाता है संख्या, तो इतना बटा 9 है तो 9 बटा इतना हो जाएगा। अब इतना पकड़ाना चाहिए, ठीक है, 3 से 3 कटेगा 9, यहाँ पे 200 से 200 कट जाएगा आसानी से, उसके बाद 20 से यहाँ पे 10 का स्क्वायर है मतलब 100 है, तो 5 से कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 2 मरतबे, यानी जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/2, यानी कितना 3 = 2, यानी 3:2 तो नहीं बोला जाता है बट हम इसको पढ़ेंगे उसी तरीके से, 3:2 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इतना समझ में आया, चलिए समझ में अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, और यदि आ गया है तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है वो मैं आप देख रहे हो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चलिए उसको हम पढ़ के बनाते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन है सम्मिलित एक साथ। क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल, है ना, उसको टॉप ऑफ द टेबल पे क्या करा गया है, रखा गया है, और डायमेंशन ब्लॉक का दिया हुआ है। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द टेबल इफ द ब्लॉक लाइज ऑन द टेबल विथ इट्स साइड ऑफ डायमेंशन। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, 7 जैसा है ये 8, लेकिन हम इसको बना देते हैं जल्दी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है मास, मास कितना दिया हुआ है बताइए, 10 kg आपका मास दिया हुआ है। ध्यान से देखिए प्रश्न पढ़िए, मास का वैल्यू 10 kg है और फिर उसका डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशन जब भी रहता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्म में रहता है, तो ये दिया हुआ है आपका 20 × 10 × 5, यानी ये हो जाएगा आपका लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ और ये क्या हो जाएगा आपका हाइट, अगर मतलब देखा जाए तो नॉर्मली ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन यदि 2 डायमेंशन दिया हुआ हो, सिर्फ मतलब अगर 20 × 10 लिखा हुआ है या 10 × 5 लिखा हुआ है, तो समझना कि ये लंबाई है चौड़ाई, अगर 2 ही लिखा हुआ है तो यही समझना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप प्रेशर को फाइंड आउट करो जब उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है। पहला केस कौन सा है, इसमें जो डायमेंशन लिया गया है वो डायमेंशन लिया गया है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, है ना, वो कितना दिया गया है 20 × 10, यानी इस वाले डायमेंशन पे वो बोल रहा है कि आप प्रेशर निकालो, आराम से निकाल लेंगे ना। इस वाले केस में प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, फोर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, m × g, एरिया बताइए कैसे निकलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई,
मास कितना है बताइए, 10। जी जब अपने लेना हो तो 10 लेना है, नहीं तो एग्ज़ाम में अगर देवल है 9.8 तब तो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, है ना, सुविधाजनक रूप से हम लोग अभी मैं 10 ले रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया हो रहा तो 9.8 लिया जाता है। लंबाई कितनी है देखो ध्यान से, 20। चौड़ाई कितनी है, 10 है, बोलो मतलब है ना इतना। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो ये देखोगे कि ये भी सेंटीमीटर में है ना, क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो इसमें हम डिवाइड कर लेंगे कि 300 से, इसमें भी डिवाइड करेंगे कि 300 से, इसको इसको कटा लेते हैं, इसको इसको कटा लेते हैं, 2 5 10 हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 100 हो जाएगा और ये नीचे दोनों से ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 10 50। तो जो वैल्यू इसका आया वो कितना आया, 5 × 10⁻³ कितना आएगा, 3 आएगा, 5 का 5 1 2 3 सुनना, ये इतना आ जाएगा, यानी इतना क्या आ जाएगा, पास्कल। तो ये पहला सवाल, पहला केस, आपको आंसर दिख रहा होगा कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³। और अगला कह रहा है कि डायमेंशन थोड़ा चेंज करिए, अगला में जो डायमेंशन लिखा गया है केस नंबर 2 में, वो बोल रहा है कि इसमें डायमेंशन आपको 20 × 10 न लेना है, 10 × 5 ले लेना है, 10 × 5 लेना है डायमेंशन। तो फॉर्मूला तो वो सेम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स जो क्या होगा, वेट के बराबर, जो m into g से निकलेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, लंबाई गुने कितना, चौड़ाई। तो मास कितना है, फिक्स है 10, g का वैल्यू कितना लेना है, 10, ये कितना है, 10, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 100, बिकॉज सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज करेंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, 5/100। चलिए कटा लेते हैं, 20 × 100, 10 × 100, और ऊपर 100 पहले से है, देखिए 10 × 100, और ये नीचे से कहाँ चल जाएगा, ऊपर ही चल जाएगा, तो 20 × 100 क्या हो जाएगा, 200। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 2 × 10⁻⁴ कितना, 4 क्या, पास्कल, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी इतना समझने में, बुझने में, लिखने में। चलिए तो इसको नोट करिए और अगले क्वेश्चन का वेट करिए। अगला जो प्रश्न है जो पूछा जा रहा है वो ये है कि आसान है ये, कैलकुलेट द प्रेशर, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए ब्लॉक ऑफ 100 N इफ सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट इज 2.5 m², है ना। सवाल ये पूछ रहा है, पहला सवाल जो पूछा जा रहा है ना, पहला नहीं बोलेंगे, बहुत सारा प्रश्न बन चुका है, चलिए इसको हटाते हैं। पहला सवाल आप देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए ब्लॉक ऑफ 100 N, यानी फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, जो वो लगा रहा है वो कितना है, 100 N है, और सरफेस का एरिया कितना दिया हुआ है, 2.5 m², और आपसे सवाल कर रहा है कि आप इसका प्रेशर निकालो। तो बड़ा आसान है, प्रेशर बराबर होता है क्या, फोर्स बटा एरिया, फोर्स का वैल्यू है 100 N, एरिया है 2.5, डेसिमल हटेगा ऊपर चला जाएगा ऐसे, 25 से कटेगा 25 × 100, एक और जीरो बैठेगा, तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्कल, यानी 40 पास्कल आपका आंसर होगा फर्स्ट का। चलिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उसको देखिए क्या है। ए प्रेशर ऑफ 100 पास्कल, प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 पास्कल, और वो एरिया जित पे इसको इंक्लूड करा गया है, मतलब जिस पे लगाया गया है, वो है 15 cm², है ना, बाय ए ब्लॉक ऑफ मास m, और इसमें जो मास दिया हुआ है वो m के फॉर्म में दिया हुआ है, तो m लिख लीजिए, और आपसे पूछ रहा है कि m का वैल्यू निकालिए, m का वैल्यू क्या होगा, आसानी से हो जाना चाहिए। देखेंगे ये प्रेशर जो है वो किस फॉर्म में है, तो देखो ध्यान से, वो 100 पास्कल है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ये सेंटीमीटर में तो चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, cm × cm, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 0 से करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा, और फिर 00 से करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया आपका। इसको इसी रूप में छोड़ दीजिए तो बाद में कटाने में आसानी होती है। अब हम लगा लेंगे फॉर्मूला जिससे प्रेशर, एरिया और मास तीनों एक साथ आ जाए, कैसे होगा, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है, प्रेशर के जगह पे क्या लिखाएगा, 100 पास्कल, फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, m × g, अब ये बताते बताते थक गया मैं, और एरिया जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15/1 पे कितना सुनना, 1 2 3 4 सुनना, देखो दिया हुआ है इतना, कोई समस्या है यहाँ तक। अब देखो एम हमको निकालना है तो इसको तो ही छोड़ देंगे, और जी का वैल्यू हम कितना पुट कर लेंगे, तो जी का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 10 पुट कर लेंगे, तब ना आसान होगा।
अब उसके बाद देखियो ध्यान से क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ पे जंप आउट हो जाओ, हैंडेड था वैसे ही हैंडेड छोड़ दिया मैंने, और ये वाला वहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार और एक और पाँच, क्योंकि एक दस और पहले से है, और इतना एम हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 15 हो जाएगा। बोलो इतना होगा, एम का वैल्यू निकालना है, छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे एक दो कट गया, कोई समस्या यहाँ तक? तो ये जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये 15 यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, तो 15 × 1 कितना हो जाएगा, 15, और ये जो मल्टीप्लाई में है एम के साथ, ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिवीजन में, यानी 1, 2, 3, अगर इसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 × 10^2 कितना, -3, और ये क्या हो जाएगा, kg, 15 × 10^-3 kg आपका आंसर हो जाएगा। अगर सवाल पूछ देगा कि ग्राम में इसको निकालिए, तो ग्राम में कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10^2 किस से, 3 से, कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई सॉरी केजी से ग्राम में चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10^2 कितना से, 3 से, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 ग्राम, ठीक है। तो देखिए जैसा आपको उचित लगे उस रूप में आप इसका आंसर आ रहा है, अब देखो स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मेटल ब्लॉक ऑफ साइज 20 cm × 8 cm × 5 cm एंड हैविंग ए मास ऑफ 5 kg। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ग्रेटेस्ट और लीस्ट प्रेशर कह रहा है, सबसे ज़्यादा कब लगाएगा, सबसे कम कब लगाएगा। चलिए इसको शुरुआत किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशन लिख लेते हैं, डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 20 × 8 × 5 है ना, और वो भी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो सबको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए कितना से, 100 फिर 100 और फिर 100 यही हो गया आपका डायमेंशन, ये डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन हमको जहां जरूरत होगा उसके अनुसार हम अपना करेंगे, मतलब उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 5 kg, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है प्रेशर जब ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा कब, जब एरिया कम, एरिया सबसे कम कब, जब डायमेंशन हमारा सबसे छोटा, तो डायमेंशन छोटा कब कब है, जब वो 8 है और क्या है, 5 है, जब हम 8 और 5 को लेंगे तो सबसे छोटा होगा, नहीं सबसे, दोनों में तीनों में छोटा कौन है सबसे, 8 और 5, तो इन दोनों को जब हम डायमेंशन के रूप में लेंगे तो केस 1 ले लेते हैं, और केस 1 में हम यहाँ पर डायमेंशन 1 ले लेते हैं, तो इस बार हम डायमेंशन 1 में क्या लेंगे, 8 × 5 लेंगे, कब, जब हमको क्या लेना है, लिस्ट लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गया है, नहीं, जब हम लिस्ट लेंगे एरिया तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो ये किसके लिए है, मैक्सिमम के लिए, प्रेशर जब मैक्सिमम रहेगा उसके लिए, मैक्सिमम कब रहेगा, जब आपका डायमेंशन क्या रहेगा, लेंथ और ब्रेथ क्या रहेगा छोटा, एरिया कम रहेगा प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो मैंने एरिया कम करने के लिए डायमेंशन सबसे छोटकी ले लिया है, 8 × 5 होगा, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे एरिया निकल जाएगा, तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा क्या, एरिया, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, और नीचे एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने कितना चौड़ाई, मास कितना है, 5 है, जी कितना लेना है बताओ, अरे अभी तो हम वही ले रहे हैं, 10 ही ले रहते हैं, लेंथ कितना है बताइए, लेंथ आपको कितना लेना है, तो आप लोगे 8/100 और इंटू कितना, 5/100, बोलो कैसे, क्योंकि सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, मास केजी में है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रेशर का देगा, कितना आता है देखते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ये 5 × 10 है पहले से ऊपर, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 10^2 कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, और नीचे बच के आ जाएगा 8 × 5, तो ये 5 से तो ये 5 कैंसिल हो गया, इतना तो सुविधा हो गई हमारी। अब जो वैल्यू आ रहा है इसमें वो कितना आ रहा है, आप देखो ध्यान से, तो इसमें वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना, 10/8 × 10^4 कितना, 4, ये वैल्यू आ गया किसका, मैक्सिमम प्रेशर का, ये मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है। अब इसको हल कर लो आप, आंसर आ जाएगा, अब रेट में 10 से करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इतना छोड़ दिया।
और देखो डेंसिटी मतलब सॉरी डायमेंशन जब 8x5 था तो सबसे ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि डायमेंशन सबसे लीस्ट था, है ना, प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम मैंने लिख दिया है, और डायमेंशन सबसे छोटा लिया गया है। और जब डायमेंशन आपका लिया जाएगा कितना, जो दोनों तीनों में जो सबसे हाईएस्ट है कौन है, 20 लिया जाएगा, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा, एरिया निकालने के लिए एक और चाहिए, जो सबसे बड़ा चुनेंगे यानी 8 चुन लेंगे। तो डायमेंशन जब दोनों बड़े लेंगे यानी 20x8 लेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा, मिनिमम आएगा, है ना। डायमेंशन बड़ा लोगे तो वैल्यू मिनिमम आएगा, प्रेशर जो होगा वो कम आएगा। प्रेशर कैसे निकलेगा फिर से बताइए, वो सेम लगाएंगे, मास है ना इंटू जी, यानी क्या हो जाएगा 5 × 10 मास इंटू जी, 5 × 10 ये हो जाएगा किसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। एरिया का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20/10, मतलब ये करेंगे तो फिर से क्या होगा, देखो फिर से यहाँ पे 20/ कितना होगा 100 और 8/ कितना हो जाएगा 100, फिर से दोबारा वही करना पड़ेगा। तो ये 5/10 जा कितना होगा 50 और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये दोनों 10^ कितना -4 ना, 10^ कितना, नहीं नहीं ये डिवीजन में है तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, ठीक है। 15 × 10^4 हो जाएगा, और नीचे कितना है 20 × 8 है, 0 से 0 कट जाएगा, और कटने लायक है कुछ, मुझे लगता है कि तत्काल तो नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10^4 और नीचे हो जाएगा 8 × 2 जा कितना 16, है ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको यहाँ पे आप लिखो, देखो 5 है ना, और 5 में 16 से डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा वैल्यू, ये 0 आ जाएगा, 0 point something, जो 1 से छोटा हो जाएगा। तो एक 0 उधार ले लो किस से, ये 10^4 से, तो ये कितना बच जाएगा 10^ कितना 3, है ना। तो ये हो जाएगा मिनिमम, ये मिनिमम जो प्रेशर है वो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा। देखो ध्यान से देख लो, ये 10^4 है और 10^3 है, ये ज़्यादा है और ये क्या है कम है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है, आया है कमेंट करिए कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर नहीं आया है तो आप इसमें जो भी डाउट आपका है कहीं, तो उस डाउट को आप क्लियरली अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर कोई समस्या आपको नज़र आ रही है इस वीडियो में, तो आप आराम से रिलैक्स हो करके पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं आपको कमेंट के थ्रू अगर मदद कर सकता हूँ तो कर दूँगा, अन्यथा है ना आपको स्पेशल डाउट क्लास करा के, है ना, इसका निराकरण कर दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए, कोई समस्या है यहाँ तक, मुझे लगता है कि ये वाली जो डाउट थी आपकी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब है 15 kg, है ना, 15 kg आपका दिया हुआ है, 15 kg वेट, यानी नहीं 15 N, वो आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए, 15 kg वेट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, 1 kg वेट का मतलब होता है 1 N, तो 15 N वहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, per cm³, नहीं per cm² दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच टायर इन कॉन्टेक्ट, है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एरिया आप बताओ, है ना, हर एक टोटल वेट कितना है 12,000 है, तो एक टायर का वेट जो होगा कितना होगा, ईच टायर वेट कितना होगा, 1200/4, 4 × 3 = 1200, यानी कितना हो जाएगा 300 N होगा एक का। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, वो दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि 15 N जो है वो कितना 1 cm² पर लग रहा है बल, तो 1 N कितना 1/15, तो कितना न्यूटन, 300 N का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/15 × कितना 300, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 20 cm², और यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैंने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा एक पहली बार में, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ऐसे प्रश्न जो है वो आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको लाभ होगा ओरिजिनली फिजिक्स का, और स्पेशली न्यूमेरिकल बनाने आपको आ जाएगा। अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी जो न्यूमेरिकल अभी बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में करते हैं, और अगले टॉपिक को भी अगले वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद।